मुठभेड़ में 3 गौ तस्कर गिरफ्तार, 1 फरार। पुलिस को देखकर गौ तस्करों ने ताबड़तोड़ की फायरिंग, 1 कांस्टेबल घायल। बुलेट प्रूफ जैकेट ना होती तो इंस्पेक्टर की जा सकती थी जान। सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ के तालहापुर के जंगल में देर रात गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस को देखकर गौ तस्करों ने फायरिंग करना शुरू कर दी। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ 2 घंटे चली। मुठभेड़ में 3 बदमाश सलमान, हसीन और शोएब को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश सलमान और हसीन गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ में बदमाशों की 1 गोली कांस्टेबल देवेंद्र दाहिनी बाजू में लग गई। एक बदमाश सद्दाम फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने बदमाशों से 1 कार, 1 बाइक और 1 जिंदा गाय व अवैध असलाह बरामद किया है। इंस्पेक्टर मनोज चौधरी टीम के साथ गांव कुरडी खेड़ा नदी पर चेकिंग कर रहे थे, तभी स्वाट टीम प्रभारी जयवीर सिंह एवं सर्विलांस प्रभारी अजब सिंह अपनी टीम के साथ इनामी बदमाशों की तलाश करते हुए वहां पहुंच गए। तभी सूचना मिली कि कुछ बदमाश एक गाय को लेकर तालहापुर के जंगल की ओर गए हैं। पुलिस जंगल की ओर दौड़ पड़ी। पुलिस को आधा देख गौ तस्करों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कांस्टेबल फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने मौके से 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 1 भागने में कामयाब हो गया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।